इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है नाजरीन आज मैं आपको पाकिस्तान की उन एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की जिन में नंबर वन नूर बुखारी नूर बुखारी पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा फिल्म डायरेक्टर मॉडल टीवी होस्ट और स्टेज डांसर है जो तीन जुलाई उन्नीस सौ चौहत्तर को लाहौर में पैदा हुई वो बहुत सी पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों और ड्रामो में काम कर चुके हैं नूर की चार शादियां हुई लेकिन तमाम शादियां तलाक पर खत्म हुई इनकी पहली शादी एक हिंदू लड़के विक्रम से हुई जिससे नूर को प्यार हो गया था जिसकी वजह से नूर ने 2008 में विक्रम से शादी कर ली और दुबई चली गयी लेकिन इस शादी को पाकिस्तानी मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेस ने सख्त नापसंद किया जब दो साल बाद मोहब्बत की शादी इख्तलाफा में बदली तो नूर ने विक्रम से तलाक लेने का मुतालबा कर दिया और दुबई में एक शूटर के दौरान विक्रम और नूर की लड़ाई हाथ हाथाई तक जा पहुंची और इस तरह नूर और विक्रम में तलाक हो गई बाद में नूर से जब तलाक की वजुहत पूछी गयी तो नूर ने कहा कि विक्रम ने शादी से पहले मुझसे ये वादा किया था कि शादी के बाद मैं मुसलमान हो जाऊंगा लेकिन विक्रम ने मेरी ये शर्त पूरी नहीं की और विक्रम मुझे जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहता था नाजरी नूर बुखारी ने शोबे इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब उसने दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करना शुरू कर दिया है नूर के एक बयान के मुताबिक अब मैं किसी फिल्म ड्रामे मॉडलिंग या डांस में काम नहीं करूंगी। नंबर टू मावरा हुसैन मावरा हुसैन एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है जो अट्ठाईस सितम्बर उन्नीस को कराची में पैदा हुई उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से एल की डिग्री हासिल की वो कुछ अर्सा पाकिस्तानी चैनल ए आर वाई म्यूजिक में बतौर वीजे भी काम कर चुकी है उन्होंने आहिता आस्ता एक तमन्ना ला हासिल सी और निखर गए गुलाब सारे पाकिस्तानी ड्रामों से शोरत पाई वो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं उन्होंने बॉलीवुड में 2016 में इंडियन फिल्म सनम तेरी कसम से डेब्यू किया नाजरीन कहा जाता है कि जब मुआवरा हुसैन इंडिया में फिल्म सनम तेरी कसम में काम कर रही थी तो उसे एक हिंदू इंडियन अदाकार सूरज पंचोली से प्यार हो गया जो इंडिया के मशहूर डायरेक्टर आदितिया पंचोली के बेटे है नाजरीन मुआवरा के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब शूटिंग खत्म होती तो मुवरा रात को सूरज पंचोली के साथ रहती और जब शूटिंग शुरू होती तो सूरज पंचोली स्टेज पर अक्सर आ जाया करते थे जब मावरा को सूरज पंचोली की किसी और लड़की के साथ अफेयर का पता चला तो मुवरा ने सूरज पंचोली से दूरी इख्तियार कर ली नंबर थ्री सोनिया जहां सोनिया रिजवी पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा है जो अपने फिल्मी नाम सोनिया जहां के नाम से मशहूर है वो चौबीस अप्रैल उन्नीस को कराची में पैदा हुई तो पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा नूरजहाँ और फिल्म साज शौकत हुसैन रिजवी की पोती है सोनिया पाकिस्तान के मुतद ड्रामो फिल्मों इश्तियारों और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है उसे शहरत उस वक्त मिली जब सोनिया ने इंडियन फिल्म माई नेम मेज खान में काम किया जो दो हजार दस को बनाई गई थी सोनिया अपनी शादी के बारे में एक इंटरव्यू में बताती है की मैंने अभी लंदन ऐसी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की थी की मैं वहाँ एक करीबी दोस्त की शादी में गई मेरी मुलाकात एक इंडियन हिंदू लड़के से हुई जिसका नाम वावेक नारायण था सोनिया मजीद कहती हैं ये मुलाकात फोन पर बात करने तक पहुँच गई जब इंडिया में ताजमहल फिल्म के ऑडिशन शुरू हुए तो वावेक ने मुझे फोन पर बताया की तुम भी इंडिया आकर इस ऑडिशन में शामिल हो सोनिया कहती है की मैंने ऑडिशन में शामिल होने की वावेक ऐसी हम भी भर ली जब मैं वहाँ ऑडिशन में गई तो मुझे इस फिल्म में सिलेक्ट कर लिया गया इस तरह हमारी फोन पर बात होने वाली प्यार में तब्दील हो गई और हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और 2005 में हमने शादी करके दिल्ली में रहने लगे नंबर फोर अनीता अयूब अनीता अयूब एक सबका पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है जो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों फिल्मों इश्तारात और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया उन्होंने उन्नीस में फिल्म प्यार का तराना से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया नाजन कहा जाता है की अनिता का ताल्लुक अंडर वर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम से भी था अनिता को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस भी समझा जाता था इनके अलावा अनीता पर मुंबई हमलों का इल्जाम भी लगाया जाता था अनीता ने एक इंडियन हिंदू लड़के सुनील पटेल से शादी की जो इंडिया की रियासत गुजरात का था शादी करने के बाद अमरीका शिफ्ट हो गयी और न्यूयॉर्क में रहने लगी कुछ अरसा बाद इन दोनों के दरमियान तलाक हो गयी इनसे अनिता का एक बेटा भी है जिसका नाम शाहजेब है जो इस्लाम को फॉलो करता है नाजिन ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अल्लाह निगेबान